हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो है, हरियाली तीज स्पेशल वीडियो। हरियाली तीज पे आपको पता है ज़्यादातर ग्रीन साड़ी ही डालते हैं, और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि दी आप प्लीज़ ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन में मेरे पास साड़ी, आप उस पर वीडियो दिखाओ। मैं कि ठीक है, मैं तो वही वीडियो बनाऊँगी जो आपकी डिमांड पर होगी, बिकॉज आपके वजह से ही हम जो हैं, सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए आप जो कहोगे मैं वही वीडियो बनाऊंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने लिया है जॉय का मॉइस्चराइज़र। मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं ले सकती, लेकिन मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसलिए। फिर मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का फाउंडेशन। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है फाउंडेशन को, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ब्लेंड कर लिया। और अब है बारी आईब्रो पेंसिल की। तो आईब्रो पेंसिल लेना बोल गई थी, इसलिए जुगाड़ू काम ही कर ली, काजल से ही काम चला ली। आपके पास भी अगर कभी कोई चीज़ ना हो तो जुगाड़ू कर सकते हो, क्योंकि भाई हम इंडिया वाले होते ही हैं, जुगाड़ू किसी भी चीज़ में जुगाड़ लगा लेते हैं। तो यहाँ अब मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर। कंसीलर नहीं था इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगा ले, क्योंकि मेरा आई शैडो काफ़ी मतलब बहुत स्मूथ है, इस करके जल्दी से ब्लेंड नहीं, मतलब बहुत अच्छा सा दिखता नहीं है वीडियोज़ में। वैसे तो काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन वीडियो में दिखता। फिर मैंने ग्रीन पहले आई साइडो लगा, उसके बाद रेड आई साइडो नहीं था इसलिए रेड लिपस्टिक लगा ली। क्या ना मैंने कि जुगाड़ू काम बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे रेड लिपस्टिक ही लगा लिया। हो गया आई साइडो का काम तमाम। अब लेते हैं मस्कारा, ये भी है स्विस ब्यूटी का ही, लोकल मार्केट से ही लिया हुआ है, लेकिन उस पर लिखा है स्विस ब्यूटी, इसलिए मैंने स्विस ब्यूटी बता दिया आपको। मस्कारा लगाने के बाद बारी आती है आईलाइनर की। ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर। तो लाइनर आपको तो पता ही है, कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसको लाइनर ना पसंद हो, मुझे भी काफ़ी पसंद है। हो गया आई मेकअप। अरे नहीं, अभी तो काजल रहता है, काजल के बिना आई मेकअप तो इनकम्प्लीट है। अब हो गया काजल, काजल हो गया, कितना प्यारा लग रहा है ना, लग रहा है ना। हाँ, अब मैं लगाऊंगी लोअर लैश लाइन पे आई साइड, वो भी रेड कलर का। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक। यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल रेड, मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर ये लिपस्टिक यूज़ करूँ क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है पर सोनी की लिपस्टिक। हो गया लिपस्टिक। अब आ गई बिंदी, ग्रीन कलर की बिंदी ले ली मैंने, उसके रेड बिंदी मतलब वो ज़्यादा दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने रेड लिपस्टिक से ही नीचे बिंदी लगा लिया। अब झाड़ लेते हैं बाल। बाल बनाने की बारी आ गई है, तो बाल बना लेते हैं। यार एक बात, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, क्यों ऐसा क्यों? सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है यार, फिर सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे आ गया मेरा टेम्परेरी गजरा। टेम्परेरी ही है, ओरिजिनल गजरा नहीं है। लगा लिया मैंने सिंदूर। सो अब आप लोग देखो कैसा लग रहा है मेरा ये लुक। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ब्लशर, हाँ ब्लशर के बिना तो कुछ बेकार है ना, ब्लश करना चाहिए। वैसे तो स्माइल से बहुत ज़्यादा ब्लश आता है, लेकिन ब्लश लगाना भी ज़रूरी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस, लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक करो भर भर के, सब्सक्राइब, बाय।